नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। शिवनी मालवा विकास खंड में एमपी टास्क छात्रवृत्ति एवं फेल खातों के अपडेशन एवं पात्र अपात्र की जानकारी के संबंध में नोडल विकास खंड सुब्रत शर्मा, छात्रावास अधीक्षक नोडल अधिकारी सुरेंद्र कुमार पाटिल, समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा कंप्यूटर ऑपरेशन की आवश्यक बैठक का आयोजन दिनांक 13/4/2023 को प्रातः 11 बजे से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा में किया गया, जिसमें छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई और छात्रवृत्ति में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई तथा निदान हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किए गए। नॉट अप्रूव्ड का ऑप्शन है ना, प्रोफाइल ही नहीं बनी है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिख दीजिए आप 30 बच्चों के हमारे माइनस हो गए, इन्होंने एडमिशन लिया, पर स्कूल को बताएंगे वो मानेंगे बात, है ना, ठीक है ना, वो मानेंगे 100%, उनको अलग रखी है। ऐसी किसी की भी समस्या है, बच्चा आया है चला गया है, तो अपने को ऐसा नहीं कि उसको दे नहीं है, जब वो पात्र नहीं है, जब उसने एग्जाम ही नहीं दिया है, तो फिर हम क्यों उसको दें, जब तक वो उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, जब वो एग्जाम नहीं देगा तो वो पात्र हो गया ना ऑलरेडी, ठीक है ना। उनकी लिस्ट बना लें, जो ऐसे बच्चे हैं ना उनकी आप लिस्ट बना लें और अलग से दें, वो माइनस होंगे बच्चे, और उनका मैप करवाना बैंक से, सबसे कठिन काम यही है जो कि स्कूल लेवल पे सबसे कठिन काम, क्योंकि बच्चा आना नहीं चाह रहा, आधार वाले आधार सुधारना नहीं चाह रहे, समग्र वाले सुधारना नहीं चाह रहे, जब बोलते हैं कि 18 साल से कम बच्चों का डीबीटी नहीं होगा, मैंने उनसे फोन पर बात करी, प्रिंसिपल ने बात करी उससे, तो मैंने फोन पर बात करी कि आप लिख के दे दीजिए, मैं आपके रीजनल मैनेजर और एनडीएम से बात करेंगे हम, इन सभी बैंकों के एक बैंक होता है लीड बैंक मैनेजर, परंतु जब तक आप बताएंगे नहीं कि कौन सी बैंक वाला ये हमको परेशान कर रहा है, ये इस तरह की बातें कर रहा है, हम लीड बैंक मैनेजर को वो बात नहीं पहुँचा पाएंगे। तो यदि कोई बैंक वाला ये बोल रहा है आपसे कि हाँ हम इसको नहीं कर रहे हैं, 18 साल से कम है या माइनॉरिटी अकाउंट है, ये जो भी कर रहा है आप लिखवा लीजिए, और बैंक वाले अगर नहीं भी लिख के दे वो तो मना कर देंगे, हम नहीं दे रहे, तो आप। सिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर, और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीवी न्यूज के साथ।